हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आप लोग को मालूम होगा कि मैं हर फ्रॉड एजेंट के खिलाफ में वीडियो बनाता रहता हूं और लोगों को बताता रहता हूं ये एजेंट और ये ऑफिस वाले कैसे लोगों का साथ फ्रॉड करते हैं दोस्तों। और मैं आप लोग को बता दूं, ये वीडियो में किसी ऑफिस वाले या किसी एजेंट के खिलाफ नहीं बनाना हो। ये वीडियो कुछ भाई लोग मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट किए थे, उसका मैं जवाब दूंगा। और मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोग पूरा देखना और आप लोग भी अपना राय कॉमेंट में लिख कर जरूर जाना। मेरा ये मानना है कि आप लोग मेरे बारे में सही बोले या गलत बोले, मेरे को सुनना है। अगर मैं गलत काम करता हूँ ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं गलत काम करता हूँ। अगर आप लोग बोलो कि भाई आप में ये कमी है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। पहले जिस भाई ने कमेंट किया है, ये देख सकते हैं दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किए हैं कि गोरखपुर में एक ऑफिस है गल्फ टेक्निकल के नाम से, वर्ल्ड स्टार में 62,000 में भेजता है गारंटी के साथ एग्रीमेंट करके, ये 75,000 बोल रहा है, ये 13,000 कहाँ जाएगा। फिर दूसरा कमेंट किए हैं कि भाई ये खुद फ्रॉड है, सब में झूठ बोल रहा है और ये कमीशन ले रहा है। तो मैं आपको बता दूं भाई कि आप मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे या देख लेना या देखते होंगे। ये बताइए भाई लोग, मैं एक साल से हर फ्रॉड ऑफिस के खिलाफ में वीडियो बनाया हूँ, लगभग 200 वीडियो बनाया हूँ। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, उस ऑफिस वाले का नाम लेकर वीडियो बनाता हूँ। और आप लोग बताइए, मैं अपने तरफ से ये वैकेंसी का वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ। कुछ भाई लोग बोले भाई आप कोई अच्छा सा ऑफिस का वैकेंसी का वीडियो डालिए कि जहाँ हम लोग जाएं और हम लोग का साथ फ्रॉड ना हो जाए। फिर कुछ भाई लोग मेरे से संपर्क किए, कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाला, वो बोले कि भाई ठीक है, आप मेरे ऑफिस पे आदमी भेजिए, अगर हम लोग उसके साथ फ्रॉड करेंगे तो आप मेरे खिलाफ वीडियो बनाना। और मैं उन लोग से बात किया हूँ, बहुत से ऑफिस से बात किया हूँ, और मैं बोला हूँ कि मेरे को 2-4 हजार महंगा या सस्ता का मतलब नहीं है। आप लोग 2 रुपया महंगा लीजिए या कम लीजिए, मेरे से इससे मतलब नहीं है। आप लोग जिसका भी काम कीजिए, उसके काम अच्छा कीजिए और आप लोग उसके साथ फ्रॉड मत कीजिए। बहुत से ऑफिस वाले ये हैं कि जो आपको बोलेंगे कि आपका काम 1 महीना में हो जाएगा और वहां पे आप लोग जाके पासपोर्ट और पैसा और आप लोग मेडिकल करा के जमा कर देते हो, ये उम्मीद लेके कि हमारा वीजा आएगा और हम लोग का मेडिकल वहां पे एक्सपायर हो जाता है दोस्तों। खासतौर पर मेरा भी मेडिकल एक्सपायर हो गया था, मैं दोबारा मेडिकल कराया, फिर मैं यहाँ ओमान में आया। लेकिन मैं उस ऑफिस वाले को बोला हूँ कि भाई मैं जो भी आदमी आपके ऑफिस में भेजता हूँ, तो आप उसका पहले मेडिकल मत कराना, पहले उसका वीजा आ जाएगा फिर आप मेडिकल कराना। और आप जितना दिन बोलना, 45 दिन, 2 महीना, 30 दिन, उसके अंदर ही उस भाई का काम कर देना। और रह गया भाई कमीशन की बात, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ आप उसके ऑफिस पे जाइए, मैं आपको उसका नंबर देता हूँ और आप उससे पूछना कि भाई आपके ऑफिस पे ये वैकेंसी आया है और कितना खर्चा है, मेरा नाम पहले मत बोलना। फिर वो बोलेगा 50, 60, 70 जो भी बोले, फिर आप बोलना कि भाई मेरे को SMS यूट्यूबर वाले ने नंबर दिया है, अब बताइए अब इसका खर्चा कितना आएगा। अगर वो खर्चा बढ़ा के बोल रहा है, 5-10 बढ़ा के बोल रहा है, तब आप मेरे को बोल सकते हो कि भाई आप कमीशन खाते हो, लेकिन मेरा नाम मत बताइए। फिर आप उसे खर्चा पूछिए और वही खर्चा अगर वो बोल रहा है, तब आप ये समझ सकते हो कि मैं कमीशन नहीं खाता हूँ। और रह गया बात कि हर आदमी के कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है, ऐसा कहने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं भाई। और मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम नहीं होगा कि मैं एक साल से हर फ्रॉड ऑफिस के खिलाफ वीडियो बनाता हूं और कितना मेरे को धमकी मिलता है। ऑफिस वाले बोलते हैं कि भाई ये तू वीडियो डिलीट कर दे, हम तुमको पैसा दे रहा हूं। और मैं जिस ऑफिस आया था ना, उसके खिलाफ भी मैं वीडियो बनाया और वो ऑफिस वाला पर्सनल मेरे पास कॉल करके बोला कि भाई ये वीडियो डिलीट कर, जो भी तेरा साथ फ्रॉड हुआ है उतना पैसा तू ले ले। लेकिन मैं बोला नहीं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, जो मेरे साथ हुआ ना वो अच्छा या बुरा हुआ, लेकिन आज के बाद किसी भाई के साथ फ्रॉड मत करना, बस मेरा मानना यही है। और मैं आप लोग को हर वीडियो में यही बोलता हूँ भाई कि आप लोग किसी का भी वीडियो देखकर किसी पे भरोसा मत करो। मैं यहाँ तक भी बोलता हूँ कि आप लोग मेरा भी वीडियो देखकर मेरे पे भरोसा मत करो। और मैं जो भाई मेरे से कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछते हैं कि भाई ये ऑफिस वाला कहाँ है, उसको मैं एड्रेस देता हूँ और उसको मैं बोलता हूँ कि भाई इसके ऑफिस पे जाकर ही आप काम कराना, वहाँ जरा पहले जाना और इसके ऑफिस का वीडियो बना लेना और जो भी पैसा देना आप ऑनलाइन देना, कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। मैं जहाँ पर भेजता हूँ ना, उस भाई को इतना मैं समझा के भेजता हूँ कि भाई वहाँ पे आप जाना तो सावधानी से काम कराना, मेरा कमीशन खाने का मतलब
होता ना तो मैं एक साल से वीडियो बना रहा हूँ हर फ्रॉड ऑफिस के खिलाफ, और मैं उन लोगों से कितना दुश्मनी ले बैठा हूँ, बस ये मेरे को मालूम है। अगर मेरे को कमीशन खाना ही होता ना तो मैं किसी अच्छे ऑफिस का वैकेंसी लेके अपने यूट्यूब पर वीडियो पर डालता। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो हर यूट्यूबर कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है, किसी न किसी का अच्छाई बता रहे हैं, वही मैं सोचा कि हर आदमी किसी न किसी अच्छे ऑफिस के बारे में बता रहे हैं, क्यों ना मैं जो फ्रॉड करते हैं, जिन भाई लोग के साथ फ्रॉड हो जाता है, मैं उसके बारे में बताऊं। और कम से कम एक भाई के साथ फ्रॉड कर चुका है, आने वाला वक्त में किसी और भाई के साथ फ्रॉड ना कर पाए, इसके लिए मैं फ्रॉड का वीडियो बनाने लगा। और मैं वैकेंसी का वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है, और मैं उतना बनाता भी नहीं हूँ भाई, ठीक है। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप जाके मेरा दो चार वीडियो देखकर फिर आप मेरे ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मेरे को अच्छा लगा, मेरे बारे में जो अच्छाई है या जो बुराई है आप कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई आप लोग को जरूर दूंगा। दोस्तों एक भाई कमेंट किए हैं, सर एक एजेंट ने मेरा 10,000 रुपया नहीं दे रहा है। तो मैं इस भाई को बोला हूँ कि भाई उसके बारे में आप डिटेल में वीडियो बना के भेजिए, या वो कौन सा एजेंट है या आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है, तभी तो हम उससे संपर्क करेंगे और उसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। ऐसे में इसके खिलाफ में कैसे वीडियो बना सकता हूं जब इसका नाम या इसका ऑफिस का नाम मेरे को मालूम नहीं रहेगा, तो मैं इसके खिलाफ कैसे वीडियो बना सकता हूं। और मैं आप लोग को भी बोलता हूं, कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाला आपके साथ फ्रॉड किया है ना तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसके खिलाफ वीडियो नहीं बना सकता भाई, क्योंकि ये ऑफिस वाला भी मेरे को धमकाते हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ आप लोग को, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक अच्छा सा 2 मिनट का वीडियो बनाइए, कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ, वो कौन सा ऑफिस वाला है, पूरा डिटेल में उसमें बता के आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दोगे, फिर मैं वो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। क्योंकि ये कमेंट का वीडियो मैं बनाने लगा तो ऑफिस वाले भी मेरे को धमकी देते हैं, जो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, ठीक है। एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी ये मैसेज करते हैं, ये बोलते हैं कि सर फॉरेन जॉब के लिए किसी अच्छे ऑफिस के बारे में बताइए। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करते हैं और बोलते हैं मेरे को यूरोप जाना है, उसके बारे में आप बताइए कौन सा ऑफिस है। तो मैं इस भाई साहब को बता दूं, मैं कोई एजेंट नहीं हूं या कोई ऑफिस वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे देखने में एक ऑफिस वाला है जो दिल्ली का है। अगर आप यूरोप जाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करोगे तो मैं आपका उस ऑफिस का फोन नंबर दे दूंगा, लेकिन आप उसके ऑफिस पर जाकर ही आप काम कराना, क्योंकि भाई मैं भी गरीब घर से आता हूं और मेरे को भी मालूम है कोई भी इंसान जब पहली बार गल्फ या विदेश कहीं जाता है ना तो कितना परेशानी से पैसा इकट्ठा करता है, ये मेरे को मालूम है। इसके लिए मैं हर फ्रॉड ऑफिस के खिलाफ वीडियो बनाने लगा। अगर मेरे को पैसा बनाना होता ना, कमाना होता, तो मैं भी किसी एजेंट से मिलके या किसी ऑफिस वाले से मिलके मैं भी दलाली करने लगता और आप लोग को झूठ बोल बोल के किसी न किसी ऑफिस पे आप लोगों में भेजता और आप लोग फंस जाते हो और आप लोग कुछ कर नहीं पाते। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम लोग कहां से एक एक रुपया इकट्ठा करके हम लोग किसी ऑफिस पे भरोसा करके वहां पे पैसा देते हैं, ठीक है। और मैं जो ये वैकेंसी का वीडियो बनाया था, इस वीडियो से पहले मैं उस ऑफिस वाले को भी बोला हूं कि भाई आप किसी से 1 रुपया एडवांस मत लेना, आप बस उन लोग का पासपोर्ट लेकर आप काम कराना, जब उन लोग का वीजा आ जाएगा तब आप उन लोग से टोटल का टोटल पैसा ले लेना, और जब तक उन लोग का वीजा नहीं आता है तब तक उन लोग का आप मेडिकल मत कराना, ठीक है। इतना मैं बात ऑफिस वाले से बोला हूं भाई। और मैं आप लोग को बता दूं, कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाला अगर आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप लोग एक छोटा सा वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो कि कम से कम मैं उस ऑफिस के बारे में मैं लोगों को बताऊं कि कम से कम आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, आने वाला वक्त में वो किसी और भाई के साथ फ्रॉड ना कर पाए दोस्तों। और मैं आप लोग को बता दूं, इस वीडियो में अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दे के जाना, क्या मेरे को वैकेंसी वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दे के जाना। और मेरे तरफ से ये दोस्तों, मैं ये वैकेंसी का वीडियो में बनाना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हो मेरे व्हाट्सएप पर पूछते हो तब मैं 10 दिन पे या 20 दिन पे या 1 महीना पे किसी ऑफिस का वैकेंसी का वीडियो, फिर 1 महीने के बाद मैं अपना यूट्यूब पर एक वैकेंसी का वीडियो अपलोड कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।